आपने एनाकोंडा के बारे में सुना होगा और आपने एनाकोंडा मूवी भी देखी होगी। यदि आपने एनाकोंडा मूवी देखी है तो आप एनाकोंडा के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। आपने एनाकोंडा मूवी के अंदर एक विशाल सांप भी देखा होगा जिसको हम एनाकोंडा के नाम से जानते हैं, जो उस मूवी के अंदर दिखाया गया है वैसा सांप सच में ही होता है। वो मूवी उसी एनाकोंडा सांप पर बनी है। आज हम आपको बताते हैं कि एनाकोंडा रियल में कहाँ रहता है, क्या और कैसे यह इंसानों को खाता है। को वाटर बोआ के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक गैर विषैला बोआ प्रजाति है। यह सबसे भारी और सबसे लंबे समय तक ज्ञात सांप प्रजातियों में से एक है। नाम को ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब होता है अच्छा तैराक। एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के अंदर पाया जाता है। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का मिला है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड हो सकता है। हालांकि ऐसे अजगर भी हैं जो कि लंबाई के अंदर एनाकोंडा से भी ज्यादा बड़े हैं, किंतु एनाकोंडा मोटाई के अंदर अजगर के मुकाबले अधिक है। एनाकोंडा की लाइफ, एनाकोंडा सदैव पानी के पास रहता है शाम के अंदर और रात में सबसे सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। वह अपने के तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। यह एक एकांत प्रिय जीव होता है। यह दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी कोई इसको दिखता है तो यह पर आक्रमण कर देता है और सीधे ही निगल जाता है। एनाकोंडा के अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं। चूंकि छोटे जीवों का करना उसके लिए आसान नहीं होता है, एनाकोंडा किसी बड़े को खाता है तो उसका अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके में कुछ इसी प्रकार के स्नायु होते हैं। उसका जबड़ा भी स्पेशल ढंग से बना होता है, इसकी वजह से वह बड़े जीवों को आसानी से खा सकता है। धरती पर रहने वाले सभी सांपों के दांत भी होते हैं और वे अपने दांतों का प्रयोग भी करते हैं, किंतु एनाकोंडा अपने दांतों का प्रयोग को पकड़ने के लिए नहीं करता है। वह तो अपने को पकड़ने के लिए पावर का इस्तेमाल करता है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह सांप भी नहीं है। यदि वह किसी को काट लेता है तो यह घातक नहीं है। एनाकोंडा में प्रजनन वंशत के अंदर मादा एनाकोंडा एक खुशबू उत्सर्जित करती है जो कि नर को आकर्षित करती है। इनका प्रजनन पानी के आसपास होता है जो लंबे समय तक भी चल सकता है। गर्भवती होने के बाद मादा एनाकोंडा काम नहीं करती है क्योंकि इसमें चोट का खतरा रहता है। एनाकोंडा 3 या 4 साल के अंदर परिपक्व हो जाता है। एनाकोंडा की लाइफ को खतरा है। वैसे देखा जाए तो एनाकोंडा केवल दक्षिण अमेरिका के अंदर ही पाया जाता है और इसको एक सांप के रूप में देखा जाता है। अनेक बार एनाकोंडा को मार दिया जाता है। अब दक्षिण अमेरिका के अंदर भी एनाकोंडा की संख्या अधिक नहीं बची है। इसका कारण है एनाकोंडा के निवास स्थान पर मानव एनाकोंडा से भी बड़ा सांप मिला है। क्या आपको लगता है कि कोई सांप जो एनाकोंडा से भी बड़ा हो सकता है? किंतु सन 2003 के अंदर हुई एक खोज में कोलंबिया और दक्षिण अमेरिका की एक खान के अंदर यह मुर्दा सांप मिला है जिसकी लंबाई 43 फीट और 125,000 पाउंड था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सांप की एक नई प्रजाति है और यह काफी बड़े मगरमच्छ का भी कर सकती थी। बाद भी सन 2015 के आसपास एक और सांप मिला जो एनाकोंडा ही था। इस एनाकोंडा को लोगों ने मारा था। अब तक एक अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा ने 257 लोगों को मारा था और 2,325 जानवरों का शिकार किया था। इसका वजन 2060 किलो था, 134 फीट लंबा था। एनाकोंडा भी कोई एक प्रकार का नहीं होता है। अब तक की जानकारी के अनुसार एनाकोंडा 3 प्रकार के होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, यह 8 फीट के आसपास होता है। इसका वंज 95 किलोग्राम के लगभग होता है। इसके पूरे पर काले धब्बे और एक नारंगी रंगी पट्टी भी होती है। हरा एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और दुनिया का सबसे लंबा सांप है जो 5.21 मीटर लंबा होता है। इसमें मादा एनाकोंडा की लंबाई 5 मीटर और पुरुष एनाकोंडा की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। औसत वजन 30 से 70 किलोग्राम होता है। वैसे यह अमेरिका का सबसे बड़ा सांप है। $50,000 नकद इनाम की पेशकश की जाती रही है जो 30 से अधिक लंबे एनाकोंडा को पकड़कर ला सके। हालांकि अभी तक यह इनाम किसी को नहीं मिला है। ग्रीन एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है जो कि कोलंबिया, वेनेजुएला, गियानास, इक्वाडोर, पेरू,
बोलिविया, ब्राजील, त्रिनिदाद के द्वीप और उत्तरी पराग्वे के रूप में दक्षिण में स्थित देशों में पाया जाता है। अमेज़े और ओरिनोको बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में दलदलों, दलदल और धीमी गति से चलने वाली धाराओं में रहते हैं। वे जमीन पर भी रहते हैं। आमतौर पर एनाकोंडा पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं और अपनी आंखों से अपने शिकार को देखते रहते हैं। ग्रीन एनाकोंडा को पानी में रहना काफी पसंद होता है और इसी वजह से इनको पानी के अंदर रहने वाले बोआ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन एनाकोंडा पानी के अंदर काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। यह जब सतह पर चलते हैं तो सुस्त होते हैं और अधिक तेज गति से चलने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन जब वे पानी के अंदर होते हैं तो वे उच्च गति से चल सकते हैं। हरी एनाकोंडा यदि बड़ी है तो यह बड़े जीव जैसे हिरण और कैपिबारों, जगुआर का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और हरी एनाकोंडा को नरभक्षण के लिए भी जाना जाता है। यह इंसान को पूरी तरह से निगल सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन एनाकोंडा प्रजनन एकांत में करते हैं और आमतौर पर इनका प्रजनन बरसात के मौसम में होता है और कई महीनों तक चलता है, अप्रैल से मई तक। ऐसा माना जाता है कि मादा नर के लिए फेरोमोन का जाल बनाती है। यह बात अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि मादा की गंध को कैसे पहचान लेते हैं। इसके अलावा यह भी संभावना होती है कि मादा एक हवाई पदार्थ त्याग करती है और नर उस पदार्थ को पहचान कर मादा को खोजते हुए चले आते हैं। के अंदर दूसरे जीवों की तरह कोई जोड़ा नहीं होता है। आमतौर पर कई नर एक ही मादा के साथ संभोग कर सकते हैं। इनकी संख्या 12 भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। यह सभी नर मादा के चारों ओर लिपटकर मादा को जगाने का प्रयास करते हैं। दौरान मादा को नर सांप दबाते हैं और उसे खनरोचते हैं। हालांकि यह एक मीठी कुश्ती की तरह होता है। इसके अलावा अक्सर एक बड़ा सांप विजेता होता है। मादा वजन में भारी और ताकतवर होने की वजह से वो खुद भी फैसला कर सकती है कि उसे किसके साथ संभोग करना चाहिए। बता दें कि संभोग पानी के अंदर ही होता है। संभोग काल लगभग 7 महीने तक चलता है और संभोग करने के बाद मादा 20 से 40 या फिर 100 बच्चों को एक साथ जन्म दे सकती है। आमतौर पर मादा और नर के द्वारा अपने बच्चों की देखभाल नहीं की जाती है। इसी वजह से आधे से अधिक बच्चे मर जाते हैं। नवजात शिशु लगभग 70-80 सेमी लंबे होते हैं। यदि नर एनाकोंडा उपलब्ध नहीं है तो पेरेंथोजेनेसिस के द्वारा भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। 2014 में वेस्ट मिडलैंड सफारी पार्क ने घोषणा की कि 12 अगस्त 2014 को एक मादा ग्रीन एनाकोंडा को एक अन्य मादा के साथ रखा गया था। उसने 3 बच्चों को जन्म था। येलो एनाकोंडा या एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा से थोड़ा छोटा होता है। इसके भी पर काले धब्बे होते हैं और बीच बीच में पीला रंग होता है। एनाकोंडा को परागायन एनाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के अंदर बोआ प्रजाति से है। सबसे बड़े सांपों में से एक है और अपने करीबी रिश्तेदार हरा एनाकोंडा से छोटा होता है। यह विषैले होते हैं और अपने शिकार को मार डालते हैं, लेकिन इनको कोई भी उप प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। वयस्क कुल लंबाई में 3.3 से 4.4 मीटर तक होती है। मादा पुरुषों की तुलना में काफी बड़ी होती है। लंबाई में 4.6 मीटर 15.1 फीट तक होती है। वजन की बात करें तो यह 24 किलो से 70 किलो वजन की होती है। पीले एनाकोंडा बोलिविया, पैराग्वे और पश्चिमी ब्राजील के पंटानाल क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर अर्जेंटीना आदि स्थानों पर रहते हैं। यह अधिकतर जलीय जगहों पर रहते हैं, जैसे दल दल वाले स्थानों पर और जहां पर धीमी गति से नदियां बहती पर यह रहता है। मुख्य रूप से उथले पानी के अंदर रहते हैं। जून से नवंबर तक पानी का स्तर कम हो जाता है तो यह वहां पर मौजूद बड़ी मछलियां और जानवर खाते हैं। यह जलीय और थलीय दोनों प्रकार का जीवों का शिकार करते हैं। स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछली और अंडे इनके भोजन में शामिल है। एनाकोंडा शिकारी होते हैं। यह आमतौर पर जुगार और लोमड़ी का भी शिकार करते हैं। शिकार कई बार इंसानों के द्वारा भी किया जाता है। के अंदर आमतौर पर पीले एनाकोंडा 15 से 20 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन संरक्षण के अंदर इनकी उम्र ज्यादा हो सकती है। पीला एनाकोंडा छोटे होते हैं तो यह छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। इनके अंदर स्तनपाई पक्षी और पक्षी के अंडे, कछुए, छिपकली, अन्य सांप, मछली आदि आते हैं। छोटे पीले एनाकोंडा मछली खाते हैं क्योंकि इनके लिए शिकार को पकड़ना आसान नहीं होता है। जब पीले एनाकोंडा बड़े हो जाते हैं तो यह बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, जिनके अंदर ब्रोकेट, पेकेरिस, हिरण या कैपिबरस आदि आते हैं। एनाकोंडा काफी खतरनाक शिकारी होते हैं।
यह घात लगाकर शिकार करते हैं और कभी कभी यह जमीन पर भी शिकार करते हैं। यह शिकार के चारों ओर लिपट जाते हैं और उसके बाद उसे निगल जाते हैं। अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। एनाकोंडा की भी खास बात यह होती है कि इनके द्वारा खाया गया भोजन काफी धीमी गति से पचता है। इस वजह से यह बिना शिकार किए और खाए लंबे समय तक रह सकते हैं। मौसम के दौरान यह कहीं पर सिकुड़कर छुपे रहते हैं। अप्रैल और मई के बीच प्रजनन के मौसम होता है। एकांत जानवर होते हैं और यहाँ पर भी प्रजनन करने के लिए पुरुषों में प्रतिस्पर्धा होती है। महिलाएं फेरोमोन के माध्यम से साथी को आकर्षित करती हैं। प्रेमालाप आमतौर पर पानी के अंदर होता है और गर्भधारण की अवधि लगभग 6 महीने तक रहती है। मादा अपने अंडों को सेती है। युवा पीले एनाकोंडा लगभग 60 सेमी लंबाई के होते हैं और तुरंत अपने दम पर रहने में सक्षम भी होते हैं। तीहेस सांप लगभग 3 से 4 साल की उम्र में यौन परिपक्व हो जाते हैं। पीला एनाकोंडा का भी लोग शिकार करते हैं। कुछ इनको डर की वजह से मार देते हैं तो इनकी त्वचा के लिए भी इनका अवैध शिकार किया जाता है और इनके आवास को नष्ट किया जा रहा है। दक्षिण अमेरिकी के अंदर इनके व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2012 में अमेरिका में राज्य लाइनों पर प्रजातियों के आयात और परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डाकटी स्पॉटेड एनाकोंडा यह एनाकोंडा ब्राजील के अंदर पाया जाता है। यह बहुत ही सांप है। इसकी ज्यादातर के बारे में जानकारी नहीं है। 1924 के अंदर इस सांप का पता केयर डी ने लगाया था। बोलिविया एनाकोंडा एनाकोंडा की एक अलग प्रजाति है। आकार और रंग में हरे एनाकोंडा के समान होती है और यह केवल बोलिविया में ही रहती है। आर्द्रभूमि और नम तराई के अंदर इनका निवास स्थान होता है। यह काले धब्बों के साथ हरे, जैतून या भूरे हरे होते हैं।